Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the textbook, guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, confirmation देंगे. लो यार, is audibility absolutely fine to each and everyone? जल्दी फटाफट सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, confirmation देंगे. Is audibility absolutely fine to each and everyone? जल्दी फटाफट fast, each and everyone, जल्दी क्या बात है, बहुत बढ़िया. चलो, so finally आप सभी को पता होना चाहिए कि बेटा SSC JEE विजय क्या है. आप सभी को पता है कि 9, 10, 11 अक्टूबर को आप लोगों का SSC JEE है और इस SSC JEE के इस बार के गाइस पेपर के लिए आप लोगों के लिए एक मुहिम स्टार्ट की गई है. इस मुहिम के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा, रोज शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा इंडिया का बेस्ट AEJEE इलेक्ट्रिकल का सेशन होता है. रेगुलर आप लोग क्लास अटेंड भी करते हो, ठीक है. लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये किया गया है कि SSC JEE के इतिहास के 2006 से लेकर के 2022 तक के सभी पेपरों के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं कुछ टॉपिक्स को मैं आप लोगों के लिए थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे कवर अप करवा रहा हूँ. वादा करता हूँ मेरी इन वीडियोस को देखने के बाद जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं, क्लियर है ना, वादा करता हूँ इन वीडियोस को मेरा देखने के बाद जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं इन टॉपिक्स के अंदर हर तरीके से आप नंबर लेके आ पाओगे. और इतने टॉपिक्स भी अगर आप देखते हो तो टेक्निकल में आराम से आप 50+ मार्क्स कर लोगे अभी से इन टॉपिक्स को देख के, राइट. इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक जो था हमारा वो हम लोग ने खत्म किया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. और आज वाला जो हमारा सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीरीज रेजोनेंस, ठीक है. चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन लोग बढ़िया तरीके से सीरीज रेजोनेंस को फाइनली क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. हम लोग फाइनली क्या कर लेते हैं, सीरीज रेजोनेंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो एक बार दिल से सेशन को शेयर एंड लाइक कर देना यार, जले एक एक टॉपिक तोड़ा देना है, ध्यान रखना. चलो आ जाइए, सो स्टार्ट करते हैं सीरीज रेजोनेंस, ठीक है. चलिए, सीरीज रेजोनेंस को हिंदी में बोला जाता है श्रेणी अनुनाद. क्या बोला जाता है? श्रेणी अनुनाद. ठीक, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? इसको हिंदी में बोला जाता है श्रेणी अनुनाद. क्या बोला जाता है? श्रेणी अनुनाद. ठीक है, अब बात आती है कि सर ये एक्चुअली होता क्या है, सीरीज रेजोनेंस क्या चीज है सर, ये क्यों करते हैं, कब होता है, हम करते हैं कि अपने आप हो जाता है, सर इसको एक बार थोड़ा है ना थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताएंगे है ना, तो क्लियरिटी मिलेगी सर क्या है. तो हुआ क्या भैया, एक बार हमने सोचा कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है. तो हुआ क्या, हम एक रजिस्टर लेके आए, हम उसके बाद हम लोग एक इंडक्टर लेके आए और उसके बाद बेटा हम लोग एक कैपेसिटर लेके आए, ठीक है. इन तीनों को हम लोगों ने क्या करा, एक सीरीज में जोड़ दिया, क्लियर. इन तीनों को हम लोगों ने क्या करा, एक सीरीज में जोड़ दिया. जब इन तीनों को हम लोगों ने एक सीरीज में जोड़ दिया, इस तरीके से सुनते जाना मेरी बात को, ये बेटा मेरा रजिस्टर है, ये मेरा इंडक्टर है और ये मेरा कैपेसिटर है. इनको जब सीरीज में जोड़ दिया और सप्लाई एक वोल्टेज लगा दिया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक सप्लाई वोल्टेज लगा दिया जिसकी अपनी खुद की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. और इस स्विच को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया. तो स्विच को क्लोज करूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा IoT नाम का, ठीक है. चलिए, अब आप सभी महानुभव लोग जो हैं, उन सभी को ये पता है कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है. एक एक बार आप सभी बच्चे मुझे देख के मुझे टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट इज एक्चुअली रेजोनेंस, क्या होता है, एक वर्ड या दो वर्ड में. जले बिल्कुल रहेगा सरोज, न्यू बैच जो होगा SSC JEE का वो बेटा पूरा डिटेल्ड बैच होगा, डिटेल्ड बैच में यानी कि जिसमें सारे सब्जेक्ट्स या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पर वो टॉपिक्स लिए जाएंगे जो बेसिकली ऐसे हैं जो SSC में हर बार पूछे जाते हैं, क्लियर. लेकिन वो टॉपिक ऐसे होंगे जो हर बार पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पे लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली डिफरेंसेज है. चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल, मैं जानना चाहता हूँ आपको रेजोनेंस के बारे में कितना नॉलेज है. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए रेजोनेंस क्या होता है. अब आप ही लोग मुझे बताइए रेजोनेंस क्या होता है. और आप जितने बच्चे क्लास में हो, भी 80 बच्चे क्लास में हैं, यकीन के साथ बोलता हूं 80 में से 80 के 80 गलत आंसर दोगे. बहुत बढ़िया, चलिए. मुझे आपके आंसर पता चल चुके हैं, एवरीवन वॉज रॉन्ग. किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया, एवरीवन रॉन्ग. कोई भी यहां पर ऐसा बच्चा नहीं है जिसने अभी तक इसका आंसर सही दिया. व्हाट इज रेजोनेंस? एवरीवन रॉन्ग. पहला बार, सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो जाती है, गलत.
सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, गलत। सर्किट का नेचर कैसा हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव हो जाता है, गलत। सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट मिलता है, गलत। सर्किट के अंदर मिनिमम इंपीडेंस मिलता है, गलत। ठीक है, XL इक्वल टू XC हो जाता है, गलत। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव सर्किट है, गलत। F इक्वल टू 1/√2π√LC होता है, गलत। सब गलत है। दिस इज नॉट अ रेजोनेंस। अब मैं आपको समझाता हूं रेजोनेंस क्या होता है, जरा सुनना बेटा। हमारे पास टोटल तीन एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास टोटल क्या है, है ना, तीन एलिमेंट है, क्लियर। हमारे पास जो टोटल है वो क्या है बेटा, तीन एलिमेंट है। हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है वो कितने हैं, टोटल तीन एलिमेंट है। कौन कौन से तीन एलिमेंट है, ये तीनों। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों हमारे किस तरीके के एलिमेंट है। तुमको जिंदगी में आज पहली बार रेजोनेंस समझ में आएगा, ये देख लेना, ठीक है। तुमको जिंदगी में आज पहली बार रेजोनेंस समझ में आएगा, ये देख लेना, ठीक है। वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट, गलत। ठीक है दीपक भाई, आपका देख लिया मैंने, वेट करो, ठीक है, चलो। तो बेटा ये तीनों के तीनों हमारे कैसे एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट। ये तीनों के तीनों हमारे कैसे एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट। सर ये पैसिव एलिमेंट क्या होता है, सर पैसिव एलिमेंट क्या होता है ना, पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको बेसिकली क्या चाहिए होती है बेटा, पावर चाहिए होती है। जिसको हमेशा पावर क्या होती है, चाहिए होती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। जिसको पावर चाहिए होती है उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लियर। पैसिव एलिमेंट क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, जिसको हमेशा पावर चाहिए होती है। तो भाई इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। जब हमने इनसे पूछा कि यार तुम्हें पावर चाहिए तो किस तरीके की पावर चाहिए, तो पहली बार रेजिस्टेंस ने हमको बोला कि जिंदगी भर इसको, रेजिस्टेंस ने क्या बोला बेटा सुनना, रेजिस्टेंस ने क्या बोला, रेजिस्टेंस ने बोला कि यार अगर मैं किसी सर्किट में लगा हुआ हूं, रेजिस्टेंस ने बोला अगर मैं किसी सर्किट में लगा हुआ हूं तो मुझे एक पावर की नीड होती है, और वो पावर जो होती है वो होती है I²R। हमने बोला ठीक है मिल जाएगी, ओके। और इसकी जो यूनिट होती है वो हमेशा वॉट्स होती है, ध्यान रखिएगा, ओके। हमने रेजिस्टेंस से पूछा कि तू इस पावर का करेगा क्या, हमने रेजिस्टेंस से पूछा तू इस पावर का करेगा क्या, तो रेजिस्टेंस ने बोला कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली आएगा ये मेरे पास और इसको मैं हीट में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा, हीट में कन्वर्ट कर दूंगा, ये रेजिस्टेंस ने हमको बोला। रेजिस्टेंस ने बोला जिंदगी में जब जब भी मैं सर्किट में कनेक्ट रहूंगा तब तब एक I²R नाम की पावर लूंगा और उसको हीट में कन्वर्ट कर दूंगा। हमें समझ में आ गया कि ये जो हीट में कन्वर्जन होगा, इस पर्टिकुलर हीट को एक ह्यूमन महसूस कर सकता है, मतलब ये कौन सी पावर है, एक्टिव पावर। इसका मतलब रेजिस्टेंस को क्या चाहिए भैया, एक्टिव पावर चाहिए। रेजिस्टेंस को क्या चाहिए भैया, एक्टिव पावर चाहिए। रेजिस्टेंस को क्या चाहिए, एक्टिव पावर चाहिए। फिर हमने इंडक्टर से पूछा, फिर हमने क्या पूछा, इंडक्टर से पूछा कि भाई इंडक्टर तुझे क्या चाहिए। इंडक्टर ने बोला अगर तुमने ये स्विच क्लोज कर दिया तो मुझे एक ऐसी पावर चाहिए, मुझे एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में हो, जिसको मैं अपने पास स्टोर करके रखूंगा। मुझे कोई शौक नहीं किसी को हीट में कन्वर्ट करने का, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक काम जरूर करूंगा, क्या कि मैं अपने पास उस एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करके रखूंगा। ठीक है, हमने बोला इंडक्टर को, ठीक है भाई। तो अब आप ही मुझे बताओ क्या ये रेजिस्टेंस जैसी कोई पावर ले रहा है क्या, नहीं। तो इंडक्टर क्या बोला, बोल, इंडक्टर ने क्या बोला, इंडक्टर ने बोला कि भाई मुझे जो पावर चाहिए उस पावर को मैं बोला करूंगा रिएक्टिव पावर। क्या बोला करूंगा, रिएक्टिव पावर, और मैं उसको हमेशा क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। मैं अपने पास रिएक्टिव पावर क्या करूंगा, स्टोर करके रखूंगा। ठीक है, मैं अपने पास रिएक्टिव पावर स्टोर करके रखूंगा। इसकी यूनिट जो होती है बेटा वो KVAR होती है। क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसकी यूनिट होती है। अब आया है ना, अब आया मार्केट में कौन, कैपेसिटर। हमने बोला तू बता दे भैया, इसने हमको अलग तरीके की पावर बोला, इसने हमको अलग, तू बता दे। कैपेसिटर बोलता है नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, अगर मैं किसी सर्किट में कनेक्ट हूं तो मुझे कोई एक्टिव पावर नहीं चाहिए, मुझे कोई रिएक्टिव पावर नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुमने मुझे सर्किट में कनेक्ट करके रखा है तो मैं रिएक्टिव पावर डेवलप करता हूं। क्या करता हूं मैं, रिएक्टिव पावर डेवलप करता हूं। तो भाई कैपेसिटर ने क्या बोला, उसी दिन पहले दिन कैपेसिटर बोला कि मेरा जो नेचर है वो थोड़ा अलग है। हमने बोला अच्छा भैया तेरा नेचर अलग होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने बोला कि मैं रिएक्टिव पावर क्या करता हूं, डेवलप करता हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उतना मैं डेवलप कर दूंगा। कल को तुम अगर मान लो मुझे ज्यादा वैल्यू का लेके आओगे, कम वैल्यू का लाओगे, तो अलग अलग मेरे अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू का है ना डेवलप कर देंगे, क्या है ना रिएक्टिव पावर डेवलप करेंगे। हमने बोला ठीक है भाई तू डेवलप कर। अच्छा अब इसने डेवलप अगर करा तो उसका अपन क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या, नहीं। अब बेचारा ये बैठा है सोर्स, इसको एक चीज तो जिंदगी में समझ में आ गई क्या, अगर इस सर्किट में इसको जिंदा रहना है, सोर्स का नेचर कैसा होता है, एक्टिव एलिमेंट। सोर्स किस नेचर का है बेटा, सोर्स होता है एक्टिव एलिमेंट। सोर्स कैसा नेचर का है, एक्टिव एलिमेंट है। असल ये एक्टिव एलिमेंट क्या होता है,
एक्टिव एलिमेंट का काम ये होता है कि पावर को देना, वोल्टेज प्रोवाइड करना, एनर्जी को देना। तो इसको अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इसको जीवन में रहने के लिए, इसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस वोल्टेज को, अपनी पावर को देना, इस वोल्टेज को एनर्जी देना पड़ेगा। अब ये वोल्टेज बोलता है मैं तो सबको देने को तैयार हूं, जो जो जैसा मांगेगा दे दूंगा। तो ये बोलता है, इसको उस दिन पता चल गया कि मुझे इसको देना, इसको देना और इससे लेके अपने पास रखना है। कुल मिलाकर के इतना काम इसको करना था। अब हुआ क्या, एक दिन की बात आई। किसते दिन की बात आई, एक दिन रेजिस्टेंस ने बोला, सुनते जाना मेरी बात को, ये हमारा रजिस्टर था, ये हमारा इंडक्टर था और ये हमारा कैपेसिटर था। ठीक है, सुनते जाना, सुनते जाना, यही गेम है बेटा, यही तुमको समझ में नहीं आया कभी जीवन में ढंग से, आधों को आया आधों को नहीं आया, R, L और C। अब क्या हुआ, जैसे हम लोग ने स्विच क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, और जैसे यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो हमने बोला है ना, जैसे यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो इस पर्टिकुलर रजिस्टर ने क्या बोला, एग्जाम्पल के तौर पर इस रजिस्टर ने हमको बोला, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा इस रजिस्टर ने हमको बोला कि भैया मुझे ना टोटल 10 वॉट की एक्टिव पावर चाहिए। रेजिस्टेंस को क्या चाहिए, 10 वॉट की एक्टिव पावर चाहिए। रेजिस्टेंस को क्या चाहिए, 10 वॉट की एक्टिव पावर चाहिए। सिमिलरली इंडक्टर बोलता है मुझे भी 10 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव की क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर चाहिए, ऐसा इंडक्टर बोलता है। अब आती है बात कैपेसिटर की। कैपेसिटर बोलता है कि भैया मेरी शक्तियों के अकॉर्डिंग मैं आज मात्र 5 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव की रिएक्टिव पावर डेवलप कर सकता हूं। मेरी जितनी वैल्यू है, मेरी जितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से मैं 5 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव की रिएक्टिव पावर क्या कर सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं। हमने बोला ठीक है भाई, कर दे डेवलप, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, हमने सोर्स से बात करी कि तुझे क्या करना है। सोर्स ने तुरंत बोल दिया 10 वॉट इसको भेजना है, 10 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसको भेजना है और 5 इससे लेना है। तब सोर्स को उस दिन दिमाग आया, अरे यार एक बात बताओ, जो इसको चाहिए वो तो यही दे देता है। तब सोर्स ने उस दिन दिमाग लगाया क्या, कि एक काम करूंगा, रेजिस्टेंस को तो पावर दे दूंगा ठीक है, लेकिन इंडक्टर जितनी मांग रहा है उतनी इंडक्टर को नहीं दूंगा, क्या करूंगा, कैपेसिटर के द्वारा जो 5 VAR आ रहा है वो इंडक्टर को दे दूंगा। तो इंडक्टर खुश हो जाएगा, लेकिन अभी भी इंडक्टर की कितनी नीड है, 5 की नीड है, तो 5 इंडक्टर को और दे दूंगा। तो भाई कुल मिला के बैलेंस हुआ, और ये बैलेंस क्यों नहीं होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगले ही दिन कैपेसिटर बोला कि भाई आज मेरी जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, आज मेरी वैल्यू 15 VAR डेवलप करने की हो चुकी है, कितनी 15 VAR डेवलप करता हूं, ऐसा इसकी वैल्यू है भाई मान लो। हमने बोला ठीक है, अब इंडक्टर की तो आज भी अभी भी कितनी चाहिए, इंडक्टर को तो 10 VAR ही चाहिए। हमने बोला कैपेसिटर को, यार तू 15 हमको दे रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये 15 इसको देगा ठीक है, मतलब 15 क्या देगा, कैपेसिटर इसको बोलेगा, कैपेसिटर इसको दे देगा कितनी 10, तो ये चुपचाप बैठ जाएगा। इसको गरीब को तो देना ही है जीवन भर 10 वॉट, ये तो देना ही है, तो इसको तो देना ही है, इसको मिल जाएगी तो ये चुप हो जाएगा, लेकिन ये दे कितनी रहा है 15, तो 5 जबरदस्ती किसको लेनी पड़ेगी, सप्लाई को अपने पास लेनी पड़ेगी। समझ में आया क्या बोला, हाँ सर। तीसरा केस एक और बनता है, जब आज कैपेसिटर बोलेगा कि भैया मैं 10 VAR डेवलप कर सकता हूं, मैं कितनी डेवलप करूंगा, 10 VAR डेवलप करूंगा। जिस दिन कैपेसिटर ने ये बोल दिया मैं 10 VAR डेवलप करूंगा, तो सुनते जाना मेरी बात को, हमने देखा इसको दे दिया 10 वॉट ठीक है, जब हम इसको देने गए इंडक्टर को कितनी 10 VAR, कैपेसिटर बोलता है मुझसे ले लो 10 VAR, हमने बोला दे देना, तो इसने 10 उठा के इसको दे दिया, मतलब इंडक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किसने किया, कैपेसिटर ने। इंडक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किसने किया, कैपेसिटर ने। इंडक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किसने किया, कैपेसिटर में। तो ये क्या करेगा, आंख मारेगा किसको, इसको, क्यों, क्योंकि अब इसकी दोस्ती केवल इससे कोई दोस्ती नहीं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किसने कर दिया, कैपेसिटर ने कर दिया। तो जिस दिन तुम्हारा कैपेसिटर तुम्हारे इंडक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, जिस दिन तुम्हारा कैपेसिटर इंडक्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, उस दिन तुम्हारी सप्लाई से इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जी जाना बंद हो जाती है, उस दिन तुम्हारी सप्लाई से इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जी जाना बंद हो जाती है, उस दिन तुम्हारे सप्लाई से रिएक्टिव पावर का जाना और आना बंद हो जाता है, और जिस समय एक सर्किट के अंदर रिएक्टिव पावर का इन्वॉल्वमेंट सप्लाई से खत्म हो जाता है, उस सर्किट की उस कंडीशन को रेजोनेंस बोला जाता है। सर्किट की वो कंडीशन जो रेजोनेंस कहलाती है, रेजोनेंस का मतलब है जिस समय सप्लाई से रिएक्टिव पावर का नाता टूट जाए, मतलब ना तो रिएक्टिव पावर यहां से जाए ना रिएक्टिव पावर वापस आए, उस कंडीशन को रेजोनेंस बोला जाता है।
समझा? तो देख पॉइंट, देख पॉइंट, देख नोट्स भी बनवाऊंगा। अ कंडीशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट, अ कंडीशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट एट विच रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्टर इज कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय, हिंदी में भी लिखवाऊंगा, कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय कैपेसिटर, कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय कैपेसिटर, कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय कैपेसिटर, मतलब सप्लाई का रिएक्टिव पावर के साथ रिलेशन खत्म हो गया, मतलब देयर इज नो रिलेशन ऑफ सप्लाई विथ रिएक्टिव पावर, देयर इज नो रिलेशन ऑफ सप्लाई विथ रिएक्टिव पावर, सप्लाई का रिलेशन खत्म हो गया रिएक्टिव पावर के साथ, ना तो रिएक्टिव पावर आना और ना रिएक्टिव पावर जाना, दोनों खत्म हो जाए। सप्लाई का रिलेशनशिप किसके साथ है? एक्टिव पावर के साथ। इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोला जाता है ना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। अरे चल, हम लोग जो बता रहे थे वो क्या है वो बताओ ना। चल, हमने देखा था, एक मास्टर जी बता रहे थे एक्चुअल इक्वल टू एक्ची होता है, वो क्या होता है? चल जल्दी बता, समझे बे? रेजोनेंस की डेफिनेशन ये बोलना, रेजोनेंस की डेफिनेशन ये बोलना। कोई भी पूछे व्हाट इज रेजोनेंस, बोलना ना सीरीज आरएलसी सर्किट व्हेन द डिमांड, व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडक्टर इज कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय द कैपेसिटर एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्टर फ्रॉम द सप्लाई साइड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर फ्रॉम द सप्लाई साइड, दैट मींस देयर रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड कंप्लीटली बाय कैपेसिटर एंड देयर इज नो रिएक्टिव पावर रिलेशन विद द सप्लाई, दैट कंडीशन ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब आती है इसके बाद की बात। सर ये तो हो गया, तो बात समझ में आ गई। अब हुआ लफड़ा, क्या लफड़ा हुआ बताता हूं। अब हुआ ये, जो आप लोग ने पढ़ा था उस पे चलते हैं। तो भाई आज एक बात तो समझ में आ गई, जितनी पावर कैपेसिटर को चाहिए इंडक्टर को चाहिए उतनी पावर अगर हमारा कैपेसिटर इंडक्टर दे देगा, जितनी पावर भाई इंडक्टर को चाहिए उतनी पावर अगर हमारा कैपेसिटर दे देगा तो इसी को बोला जाता है रेजोनेंस। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अब देखो यहां पे जरा, यही मतलब हुआ ना बे? हाँ। तो यहां पे देखो जरा, तो बेटा कैपेसिटर में जाने वाला पावर कितना होता है? आई स्क्वायर इंटू एक्सी। इंडक्टर में जाने वाला पावर कितना होता है? आई स्क्वायर इंटू एक्सएल, है ना? तो अब आप देखो आई से आई कैंसिल। तो बेटा ऐसा करने के लिए आपको, ऐसा करने के लिए एक्सी को किसके बराबर बनना पड़ेगा? एक्सएल के बराबर। ये मैथमेटिकल रिलेशन है, ये रेजोनेंस नहीं होता गधों। ऐसे करके गाल पे लप्पड़ मारो कि ये रेजोनेंस नहीं है, ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके दम पर अगर ये ऐसा हुआ मैथमेटिकली तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस क्या होगा वो आपको बताया। यस आकाश, रेजोनेंस क्या होगा वो आपको बताया। अभी तक मैंने कोई फ्रीक्वेंसी की बात करी नहीं। अब सुन, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो फिनोमिना हुआ। रेजोनेंस कोई कंडीशन नहीं है लाला, रेजोनेंस एक फिनोमिना है। अंग्रेजी में कंडीशन और फिनोमिना अलग अलग होता है। तो रेजोनेंस इज नॉट अ कंडीशन, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना अकरिंग इन द सर्किट एंड इस फिनोमिना अकरिंग इन द सर्किट ओनली एंड ओनली व्हेन एक्स इक्वल टू एक्सएल। अब आती है बात इसके बाद की बात, सर सॉरी, अब इसके बाद की बात आती है, सुनना जरा, इसके बाद की बात आती है, जरा सुनना। ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर है? चल। तो ये दोनों का बराबर होना इन दोनों को बराबर करता है, और ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो एक फिनोमिना आकर होता है जिसको रेजोनेंस बोला जाता है।
लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप इसको रेजोनेंस बोल देते हो। नहीं, अबे फल तभी लगते हैं जब पेड़ होता है, समझना मेरी बात को, फल तभी लगते हैं जब पेड़ होता है ना, तो पेड़ लगा है तो फल आएंगे, तो फल को ही सब कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अब सुनो इसके बाद की बात, अब ये दोनों बराबर होगा, हमने सोचा ये दोनों का मतलब क्या होता है, तब हमको एक ने बताया कि भाई एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको अपन लोग 1/ ओमेगा सी बोलते हैं, और इंडक्टर का मतलब होता है ओमेगा एल। अच्छा, हमने बोला बहुत बढ़िया, फिर हमको उस दिन समझ में आया, अच्छा मतलब ये दोनों बराबर हैं। सुन बे, सुनना, ये दोनों बराबर हैं। अब सारा दिक्कत क्या है ना, देश में सब बेवकूफ हैं जिन्होंने याद कर लिया f इक्वल टू 1/2 pi root lc, ओमेगा इक्वल टू 1/2 root lt, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। अब ये सब मत बोलो, रेजोनेंस अगर तुमको अकर करना है ना, रेजोनेंस अगर तुमको अकर करना है ना, तो इन दोनों को तुमको बराबर करना पड़ेगा। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए तुम चाहो तो आइदर एल को वेरिएबल बना दो, आइदर क्या करो, एल को वेरिएबल बनाओ, ओमेगा सी को कांस्टेंट रखो, ओमेगा और सी को क्या रख लो, कांस्टेंट रखो, ये तुम पर डिपेंड करता है। उसके बाद ओमेगा को वेरिएबल बना दो, मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बना लो, एल और सी को कांस्टेंट रख लो, ये तुम पर डिपेंड करता है। या फिर तुम बेटा सी को वेरिएबल बना दो, क्या सी को वेरिएबल बना दो, और साथ ही साथ में ओमेगा और एल को क्या कर दो, कांस्टेंट रख लो, ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम यहां पर फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बनाते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो 1/√lc के बराबर होनी चाहिए। अगर तुम कैपेसिटर को वेरिएबल बनाते हो तो तुम्हारा जो कैपेसिटर की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तुम्हारा कैपेसिटर होना चाहिए 1/ω²L। और अगर तुम बेटा यहां पर याद रखना इंडक्टर को वेरिएबल बनाते हो तो इंडक्टर को वेरिएबल होने के लिए 1/ω²C तुम्हारा वैल्यू होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि यू कैन मेक योर रेजोनेंस फिनोमिना ओनली एंड ओनली बाय वेरिएबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जरूरी नहीं है। समझे, तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या याद लिए, ओमेगा इक्वल टू 1/√lc। अबे ओमेगा इक्वल टू 1/√lc मत रट, ये तो कल को कोई चम्मच आएगा बोले भाई एल इक्वल टू 1/ω²c पे भी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस करने के लिए इन दोनों को बराबर करना है, मेन मोटिव ये है। अब तू चाहे तो तेरे पास कैपेसिटर और एल को कांस्टेंट रख तो तेरी ओमेगा वेरिएबल हो जाएगा, या तू बेटा सी को वेरिएबल बना ले, इसको वेरिएबल बना ले, तो सर्किट के अंदर जरूरी नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी ही वेरिएबल हो, सर्किट के अंदर है ना ये भी वेरिएबल हो सकता है, ये भी वेरिएबल हो सकता है। फिर हुआ क्या, एक दिन एक अंकल जी आए, अंकल जी बोले मैं तो इंडक्टर को ही वेरिएबल बनाऊंगा, मेरे को एल बहुत पसंद है। हमने बोला होगा भैया पसंद होता है, बहुत लोगों को एल पसंद होता है। एक ने बोला मैं तो सी को वेरिएबल बनाऊंगा, मेरे को सी बहुत पसंद है। हमने बोला अंकल हमारी जनरेशन में तो बी पसंद आया लोगों को, आपकी जनरेशन में एल और सी पसंद आया होगा। फिर एक और अंकल आया, उन्होंने बोला हमको ओमेगा पसंद है। हमने बोला ये भी लिख लो भैया, ओमेगा पसंद कर लो। अब हुआ क्या, जिन अंकल को एल पसंद था जब उन्होंने इंडक्टर को वेरिएबल बनाया, ये दोनों को कांस्टेंट मान लिया, उन्होंने इंडक्टर को वेरिएबल बनाया, अब इंडक्टर की वैल्यू को वो बार बार वेरी करके इन दोनों को बराबर कर रहे थे, इंडक्टर की वैल्यू को बार बार वेरी करके इन दोनों को बराबर कर रहे थे। अंकल के पसीने छूट गए, उनने बोला इंडक्टर को वेरी करना इतना आसान नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली मार्केट से जो इंडक्टर लेके आते हो ना उसकी वैल्यू अगर 2 हेनरी है और तुम चाहते हो उसको मैं 2.1 कर दूं, तो तुम यकीन मानो नंबर ऑफ टर्न्स प्लस उसकी लंबाई उसका एरिया एल इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर बाय एल, इस पूरे पैरामीटर पे उसकी वैल्यू को बार बार वेरी करना इज नॉट इजी। अब सी वाले अंकल आए, इनने तो वर्ड ही गलत चुन लिया था पहले, तो इन्होंने जब ये वर्ड चुना तो इन्होंने बोला मैं इसको वेरिएबल बनाऊंगा। जब ये कैपेसिटर को वेरी बनाने गए तो कैपेसिटेंस वैल्यू इज एप्साइलन ए बाय डी। अब आपको एप्साइलन एरिया और डी को बार बार चेंज करके कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब तुम खुद मुझे बताओ ये आसान काम है कि प्रैक्टिकली नहीं है। तीसरा इंसान सही निकला, उसने बोला अबे इन दोनों को सेम रखो, साला फ्रीक्वेंसी वेरी करो, फ्रीक्वेंसी वेरी करना इज नॉट अ टफ टास्क,
धड़ाधड़ वेरी होता है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन धड़ाधड़ होता है, ध्यान रखना। इसीलिए बेटा उसमें पहली बार बताया गया क्या, रेजोनेंस को तो हम लोग कहीं से भी अचीव कर सकते थे, इंडक्टर कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी तीनों में से किसी को भी वेरिएबल मान के, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सर्किट में बात करने जाए या प्रैक्टिकली मुझे कुछ करना हो तब मुझे पता चला कि मैं काम करते फ्रीक्वेंसी को वेरी करके ही रेजोनेंस को अचीव किया जाएगा आज के बाद देश दुनिया में। तो तीनों ने मिलकर डिसाइड किया और बोला आज के बाद देश दुनिया में फ्रीक्वेंसी को ही अचीव करके रेजोनेंस किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट, समझा? यस सर। तो रेजोनेंस तो भैया तेरा कैसे होगा, आपसे फ्रीक्वेंसी को ही वेरी करके, ठीक है? चलो भैया बहुत बढ़िया। तब लोगों ने बोला कि जो ओमेगा होता है वो आज से याद रख लो 1/√LC, और इसको नाम भी दे दो प्यार से क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दे दो? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दे दो? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट भी दे दो, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन पर सेकंड। क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। फिर किसी को अंदर से इच्छा हुई कि FF हर्ट्ज के फॉर्म में कितनी होगी, कुछ नहीं बेटा हर्ट्ज के फॉर्म में हो जाती है 1/√LC, तो ये हर्ट्ज के फॉर्म में हो जाती है, ठीक है? अब यहां से लोग आपको पढ़ाना चालू करते हैं, यहां तक पहुंचना था। अब सुनो, जब हमने ये मान लिया प्रैक्टिकली कि यार हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी करके ही रेजोनेंस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी रखें, तब लोगों ने बोला इतनी रख दो। तो क्या ये रेजोनेंस है क्या? नहीं, ये तो वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जिसपे हमको रेजोनेंस मिल सकता है। हमने सोचा ठीक है रख देंगे। जब हमने ये फ्रीक्वेंसी रख दी उस दिन हमको पहली बार पता चला क्या कि हमारा एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए। बहुत बढ़िया सर। जब हमारा एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए तब हमको पता चला कि हमारा तो I²L और I²XC ये भी दोनों बराबर है। तब हमें पता चला सोलर कैपेसिटर उतनी रिएक्टिव पावर डेवलप कर रहा है जितनी इंडक्टर को चाहिए, मतलब रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड गाइस रेजोनेंस, याद रखिएगा इसको सीरीज रेजोनेंस बोलते हैं। अब हुआ क्या दुनिया में बेटा, देख क्या होता है मैं बताता हूं, दुनिया में क्या होता है, भारत देश में क्या होता है, कहीं भी होता है। पहले दो लोग सोचते हैं कि शादी करेंगे, सोचते होंगे तभी तो करते होंगे ना, कि बिना सोचे कर लिए। पहले दो लोग क्या सोचते होंगे, शादी करेंगे, पहले सोचा, फिर सोचने के बाद क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। सोचने के बाद करा ना, हाँ, फिर सोचने के बाद शादी हो गई, बोल हाँ या ना, हाँ। अब शादी होने के बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है। शादी होने के बाद रिजल्ट आएगा ना, या रिजल्ट पहले आ जाएगा? अबे शादी होने के बाद रिजल्ट आएगा ना, हाँ। तो पहले कोई चीज सोची जाती है, फिर करी जाती है, फिर रिजल्ट आता है। तो ऐसे यहां पे भी हुआ, देख पहले कोई चीज सोची गई, फिर करी गई, फिर रिजल्ट आएगा। देख भी बताता हूं, तो पहले सोचा गया, क्या सोचा गया, कि क्या ऐसा हो सकता है कभी जिंदगी में कि कैपेसिटर जितनी रिएक्टिव पावर डेवलप कर रहा है और इंडक्टर को जितनी चाहिए दोनों बराबर हो जाएं तो सप्लाई से ना जाना पड़े, ऐसा सोचा गया। फिर जब सोचा गया तो पता चला हाँ 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 हो जाएगा, तो फिर कर दिया। देख ये कर दिया, कैसे कर दिया, कितनी फ्रीक्वेंसी रख दो, और जब कर दिया तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे आएगा तो देखते हैं। तो रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, अब रेजोनेंस के रिजल्ट्स पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, है ना, रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस क्या हुआ, सबसे पहला रिजल्ट ये हुआ कि बेटा हमारा जो सर्किट का इंपीडेंस था, हमारा जो सर्किट की प्रतिबाधा थी, यानी कि हमारा जो सर्किट का क्या था बेटा, इंपीडेंस था। हमारा जो सर्किट का इंपीडेंस था जेड, वो बेसिकली किसके बराबर है, आर प्लस, सुनते जाना, जे ओमेगा एल माइनस का जे बाय ओमेगा सी, ये हमारे सर्किट का इंपीडेंस है। तब उस दिन पहली बार इंसान को पता चला कि अरे ये दोनों वैल्यू तो बराबर बराबर हो रही हैं, और एक में प्लस एक में माइनस साइन लिखा है, तो मेरा जो इंपीडेंस का वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। मतलब पहला रिजल्ट क्या आया भैया, हैं, पहला रिजल्ट क्या आया कि अगर आप रेजोनेंस फिनोमिना को अचीव करते हो सर्किट के अंदर, क्लियर, अगर आप रेजोनेंस फिनोमिना को अचीव करते हो सर्किट के अंदर, तो आपका जो इंपीडेंस होता है वो सिर्फ आर के बराबर बन जाता है, और जब आर के बराबर ही बन गया आपका रेजिस्टेंस, तो बेटा ये मिनिमम इंपीडेंस कहलाएगा। क्यों मिनिमम कहलाएगा, अबे गधों, अगर रेजोनेंस नहीं होता तो इसके साथ ये दोनों भी जुड़े होते तो थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिलता, तो अब रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, मिनिमम कहलाएगा, इंपीडेंस क्या कहलाएगा आपका, मिनिमम। ये पहला रिजल्ट आया, ठीक है, लेकिन इनको तो पूरी पूरी क्रिकेट की टीम खड़ी करनी है ना, है ना, अपने केस में ऐसा नहीं होता है, तो इनका रिजल्ट कैसा आएगा, पूरी क्रिकेट की टीम जैसा, देख बताता हूं। अब जब इंपीडेंस मिनिमम आया तो इन्होंने सोचा करंट का वैल्यू क्या होता है, तो करंट का वैल्यू होता है वोल्टेज अपॉन बेटा इंपीडेंस, करंट का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस,
तो करंट का वैल्यू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप तो खुद सोच, जिंदगी में तेरे पास अगर कभी जिंदगी में नीचे वाली वैल्यू जो है वो मिनिमम आ गई, अगर जिंदगी में तेरे पास नीचे वाली वैल्यू मिनिमम आ गई तो बेटा करंट तेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो भैया तब पता चला रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट ये मिला सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट हमारा मैक्सिमम हो जाता है। सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अभी भी नहीं रुक रहा ये लोग, बोलेंगे तीसरा रिजल्ट का भी वेट करेंगे हम लोग। तो तीसरा रिजल्ट क्या पता चला, तीसरा रिजल्ट ये पता चला है ना, रिएक्टिव पावर। क्या पता चली, रिएक्टिव पावर। क्या पता चला बेटा, रिएक्टिव पावर जो है फ्रॉम सोर्स, है ना, रिएक्टिव पावर फ्रॉम सोर्स, सोर्स से रिएक्टिव पावर क्या चली गई, है ना, जीरो। तो सोर्स से कोई रिएक्टिव पावर नहीं जा रही। अब सोर्स से अगर कोई रिएक्टिव पावर नहीं जा रही, इसका मतलब सिस्टम में क्या है, केवल एक्टिव पावर ही है। दैट इज ओनली एक्टिव पावर इन सिस्टम, दैट इज ओनली एक्टिव पावर इन सिस्टम, दैट इज ओनली एक्टिव पावर इन सिस्टम। तो सिस्टम में बेटा कौन सी पावर है, एक्टिव पावर इन सिस्टम। तो सक्रिय शक्ति है सिस्टम के अंदर, और कोई भी नहीं है। और अगर सर्किट सर्किट में सिर्फ एक्टिव पावर ही है तो आप मुझे बताओ बेटा पावर फैक्टर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। सारे बच्चों ने पावर फैक्टर एंगल के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, एक फॉर्मूला आज मैं और आपको पढ़ाता हूं। तो पावर फैक्टर एंगल का एक फॉर्मूला टेन इनवर्स ऑफ रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव पावर भी होता है। अब आप ही मुझे बताओ आज आपकी रिएक्टिव पावर क्या है बेटा, जीरो है। तो आपका पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ जीरो, और टेन इनवर्स ऑफ जीरो बाय पी अगर हम करने जाएंगे तो ये जीरो मिलेगा, ये जीरो डिग्री मिलेगा। तो कॉस फाइव जिसको आप पावर फैक्टर बोलते हो, तो पावर फैक्टर क्या मिल जाएगा, यूनिटी मिल जाएगा। ये क्या है, रिजल्ट है। तो कितने रिजल्ट हो चुके हैं इसके अभी तक के, टोटल तीन रिजल्ट हो चुके हैं। कितने रिजल्ट आ चुके हैं, तीन रिजल्ट आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है, क्या बोला, कितने रिजल्ट आ चुके हैं, तीन। पहला, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, सर्किट के पास रिएक्टिव पावर नहीं जाएगी, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे रिजल्ट पे। अब चौथा रिजल्ट तो भयानक सा रिजल्ट आया, देखो कैसे बताता हूं। तो चौथे रिजल्ट में क्या हुआ, ये सप्लाई वोल्टेज था बेटा, ये R था, ये L था और ये C था। अब चौथा रिजल्ट देखो भयानक सा आया। आप बोलोगे सर कैसे भयानक आया, बताता हूं। भयानक ही आया, हमने सोचा कि यार हमें ना कैपेसिटर के पास का वोल्टेज निकालना है और इंडक्टर के पास का वोल्टेज निकालना है, ऐसी हमारी इच्छा नहीं, ऐसी हमारी इच्छा है कि इंसान की इच्छा है कोई मार नहीं सकता। तो हमने सोचा चलो यार कैपेसिटर के पास का वोल्टेज निकालते हैं और इंडक्टर के पास का वोल्टेज निकालते हैं। जब हम पहली बार कैपेसिटर के पास के वोल्टेज को निकालने गए तो आप ही मुझे बताओ कैपेसिटर के पास बेटा वोल्टेज कितना होगा, आप ही मुझे बताओ कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना होगा, जल्दी बोलेंगे। आप मुझे बताओ कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना होगा, तो बेटा कैपेसिटर के पास का अगर तुमको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज डिवाइड रूल लगा दो। वोल्टेज डिवाइड रूल कैसे लगाओगे भाई, सप्लाई वोल्टेज इनटू इनटू किसके पास निकालना, कैपेसिटर के पास ना, तो माइनस ऑफ जे अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, या फिर एक काम करो इंडक्टर के पास निकाल लो, तुमको जिसके पास निकालना है निकालो, इंडक्टर के पास पहले निकाल लेते हैं। तो इंडक्टर के पास पहले निकालोगे तो वोल्टेज डिवाइड रूल लगाना, कितना हो जाएगा, वी एस इंटू जे ओमेगा एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। भाई वोल्टेज डिवाइड रूल लगाऊंगा तो इंडक्टर के पास का वोल्टेज इतना ही निकल के आएगा ना, कह दो हाँ आएगा। अब देख जब इतना वोल्टेज निकल के आएगा तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। अब मुझे अगर इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है बेटा इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये जे खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा तेरे पास, वी एस ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर, यही बचेगा या नहीं बचेगा, हाँ सर यही बचेगा। ये इंडक्टर के पास का वोल्टेज आ गया या नहीं आ गया, हाँ सर। जैसे इंडक्टर के पास ये वोल्टेज आया तो मुझे एक टर्म दिखी यहाँ पे, क्या दिखी, ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा एल बाय आर वाली जो टर्म होती है ना, इसको बोलते हैं वी एस इंटू XL डिवाइडेड बाय R। और जिंदगी में बेटा XL डिवाइडेड बाय R जो होता है ना, इसको प्यार से एक और नाम से पुकारा जाता है, क्लियर, क्या पुकारा जाता है, क्वालिटी फैक्टर। क्या पुकारा जाता है बेटा, क्वालिटी फैक्टर। क्या पुकारा जाता है, क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर एक ऐसी टर्म होती है बेटा जो हमेशा वन से ज्यादा होती है, क्वालिटी फैक्टर एक ऐसी टर्म होती है जो हमेशा वन से ज्यादा होती है। तब उस दिन हमको पहली बार पता चला, अबे साला, क्या पता चला, अबे साला, क्या पता चला, अबे साला, क्या पता चला, अबे साला, इंडक्टर के पास का जो वोल्टेज है वो क्वालिटी फैक्टर इनटू सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। मतलब साला मेरा सप्लाई वोल्टेज जो है वो मान ले कि कितना है, 100। मेरा सप्लाई वोल्टेज जो है वो मान ले थोड़ी देर के लिए कितना है, 100।
क्वालिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है, मान ले 2, तो साला कैपेसिटर के पास 200 वोल्ट हो गया, इंडक्टर के पास 200 वोल्ट हो गया। उस दिन हमें पहली बार पता चला क्या, जब जब सर्किट में फिनोमिना रेजोनेंस का होगा उस दिन आपकी जो कैपेसिटर और इंडक्टर के पास का वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज से भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। क्या बोलते हैं? वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। और हमेशा याद रखना, जितना वोल्टेज इंडक्टर के पास हो जाएगा ना बेटा, उतना ही कैपेसिटर के पास भी हो जाता है, ठीक है, उतना ही कैपेसिटर के पास भी हो जाता है, और वो क्यू टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के इंडक्टर और कैपेसिटर के पास का जो वोल्टेज है, इंडक्टर और कैपेसिटर के पास का वोल्टेज जो है वो आपका सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, सीरीज मैग्निफिकेशन सर्किट। क्या बोलते हैं? सीरीज मैग्निफिकेशन सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज मैग्निफिकेशन सर्किट, सीरीज मैग्निफिकेशन वोल्टेज सर्किट, सीरीज मैग्निफिकेशन वोल्टेज सर्किट, या फिर वोल्टेज मैग्निफिकेशन सर्किट। ये रहा एक और रिजल्ट, समझा? हाँ ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं बेटा, कोई भी टॉपिक को ना ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी तो और भी चीजें बहुत सारी बताऊंगा, ये ऐसे कोई भी टॉपिक को ना ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। कोई चीज क्या होती है, कैसे आई, क्या करा हमने, क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पीछे उसका तात्पर्य है, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, है ना, क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है फिनोमिना, हम रेजोनेंस करते हैं कि अपने आप रेजोनेंस हो रहा है, समझ में, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हम रेजोनेंस कर रहे हैं। नहीं भाई, हम क्यों करेंगे, हम तो चाहते हैं कि साला जीवन में जितना कैपेसिटर अवेलेबल है ना, जितना इंडक्टर को रिएक्टिव पावर चाहिए हमारे पूरे ब्रह्मांड में, उतनी रिएक्टिव पावर अगर हमें कोई दे दे तो हमारी सप्लाई से रिएक्टिव पावर जाना बंद हो जाएगी। तुम मुझे बताओ, तुम एक इंसान हो जो कि 20,000 रुपए पर मंथ सैलरी कमाते हो, लेकिन तुम्हारा घर कोई और चला दे तो कितना मजा आएगा ना, कि सारा घर कोई और चला रहा, 20 अपना अपनी जेब में रह गया। तो ऐसी सप्लाई के पास से रिएक्टिव पावर जाना बंद हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। चलो अब इसके बाद एक फेजर डायग्राम और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को सर्किट का, है ना। इसके बाद मैं आपको फेजर डायग्राम और बताना चाहूंगा सर्किट को, जो कि इसका पांचवा रिजल्ट है। बास्केटबॉल की टीम तो तैयार कर ही देते हैं अपन लोग, है ना, बास्केटबॉल की टीम तैयार कर देते हैं अपन लोग। चलो तो पांच ये हो गया, ठीक है। चलो अब ये रिजल्ट क्या है जरा सुनना। एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर हमेशा याद रखना बेटा, करंट तीनों में सेम है तो करंट को क्या मान लिया अपन ने, रेफरेंस। करंट को क्या मान लिया अपन ने, रेफरेंस। वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के पास वो हमेशा कहां रहता है बेटा, करंट के साथ सेम फेज में। दुनिया जानती है रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज और करंट दोनों हमेशा कायम रहते हैं, सेम फेज में। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, हमेशा याद रखना, तीसरा पॉइंट क्या है, इंडक्टर के पास हमेशा करंट क्या करता है बेटा, लीड करता है कि लैग करता है। इंडक्टर में हमेशा करंट क्या करता है, लैग करता है, और कैपेसिटर में हमेशा करंट क्या करता है, लीड करता है। कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो आज मैं अगर इसको बनाता हूं इंडक्टर का वोल्टेज और इसको बनाता हूं कैपेसिटर का वोल्टेज, बोलो हाँ या ना। क्यों? ये देखो, 90 डिग्री इंडक्टर से एक कैपेसिटर का करंट लीड कर रहा है और इधर इंडक्टर से 90 डिग्री लैग कर रहा है। लेकिन बेटा रेजोनेंस पर एक चीज होती है, क्या ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाते हैं? जब ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाते हैं तो ये और ये एक दूसरे को काट देते हैं, तो रेजोनेंस के केस में जो फेजर डायग्राम बन के रह जाता है वो सिर्फ इतना रह जाता है। हाँ दीपक पूछ, एक बार दिल से सेशन को लाइक मार देना बेटा, एक बार दिल से सेशन को लाइक मारना, और यहां पे ऐसे करके कसम खाना, यहां पे सबका उंगली दो, ये दो उंगली जो है, है ना, वैसे तो ये दो उंगली किसी और भी काम आती है ना आप लोगों के, लेकिन फिर भी ये दो उंगली ऐसे कसम खाने के भी काम आती है, तो है ना, ऐसा कम कसम खाना कि आज तुमको जिंदगी में सीरियस रेजोनेंस ढंग से समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है, रेजोनेंस का फिनोमिना क्या होता है, क्यों निकल के ही आया, क्या रीजन था, उसके रिजल्ट्स क्या निकल के आए, यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी, ठीक है, उसके अंदर हम और डिटेल में जाएंगे, बैंडविड्थ वगैरह क्या होती है, ठीक है, बैंडविड्थ वगैरह क्या होती है, बैंडविड्थ कहां से आती है, डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, पूरा एकदम निचोड़ लेना है अपने को। और यकीन मानो क्लास देखने बाद अब तुम कुछ कभी भूलने नहीं वाले, तुम्हारे बस का हो तो भूल के दिखाओ, तुम्हारे बस का हो तो भूल के दिखाओ। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस, कि आज अभी आप लोगों के लिए 6 बजे,
है ना, एक सेशन लेके आने वाला हूँ 6 बजे में, ठीक है, और वो सेशन आपके सामने ही अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं है, है ना, तो एक सेशन लेके आने वाला हूँ सबसे पहले। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, 6 बजे आपके लिए सेशन लेके आऊंगा, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक और, है ना, एक और सेशन में लेके आऊंगा आपके लिए बेटा, कितने बजे, 7:30 बजे, एक बहुत प्यारा इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, और उस नोटिफिकेशन में करीब करीब 1000 के आसपास पोस्ट हैं, पूरा देश एलिजिबल है, डिप्लोमा बीटेक सब एलिजिबल है, तो एक ऐसा नोटिफिकेशन और लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए मैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बच्चे बेटा दिल से तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक क्रॉस करके 100 क्रॉस कर दीजिएगा, और जो बच्चे बेटा दिल से तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो तो आपको मिलती है यहाँ पर सबसे पहले क्या, AJEE इलेक्ट्रिकल, AJEE सिविल और AJEE मैकेनिकल। जब आप AJEE इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर वो बैच आपको मिलता है जिसपे लाखों बच्चों ने अभी तक पढ़ाई करी हो, लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं, और बेटा 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर एक कंप्लीट डेडिकेटेड लाइव बैच SSC JEE के लिए मेरा आने वाला है, जिसका पहला सब्जेक्ट मैं नेटवर्क लूंगा और दूसरा सब्जेक्ट मैं मेजरमेंट लेने वाला हूँ, उसके बाद फिर सो ऑन मशीन पावर सिस्टम एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो, इस लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको SSC JEE का बैच मिलता है, इसी के अंदर मेरा DFCCIL का बैच भी मिल जाएगा, मेरा BARC का बैच भी मिल जाएगा, झारखंड SSC भी मिल जाएगा, रेलवेज का बैच भी मिल जाएगा, मेरा AEE का बैच भी मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट के स्पेसिफिक GK मिल जाते हैं। देन अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो बेटा आप लोगों को मिलती है मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ Nimbus Learning, Engineers Platform, Engineers Academy, देन अगर हम बात करें तो आप लोगों को मिलती है रेगुलर डाउट क्लासेस 1 घंटे की रोज शाम को 6:30 बजे, हर एक एग्जाम की यहाँ पे टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, बच्चों ने तैयारी करना चालू कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस 6 मंथ्स के लिए इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 4619 है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हो जो कि टेक्स्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है जिसका नाम है मोहित के, तो जब आप मोहित के अप्लाई करते हो तुरंत इसकी प्राइस जो है वो 4289 हो जाती है। और बेटा ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, इसको ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे तुरंत आपको वो सारी चीजें मिल जाती है जिनकी आपको जरूरत होती है। सबसे पहले आपको जरूरत है उन लोगों की जो आपके साथ पेपर देने वाले हैं, उसके बाद जरूरत है आप लोग को मेरी, मैं अवेलेबल हूं, और वो सारे बच्चे भी अवेलेबल है जो पहले इन एग्जाम्स में सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कब आ रहा है वो बैच, 1 हफ्ता मैक्स टू मैक्स, ओके असना, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और यार वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना, ये ध्यान रखना, कमेंट जरूर करके जाना कि हाउ यू फील इट, ठीक है। और बेटा इसी तरीके के मैं, जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा होगा उनको पता होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं इसी तरीके से डील करता हूं, ठीक है ना, चाहे वो मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग हो, नेटवर्क हो, मेजरमेंट हो, मैग्नेटोस्टेट्स हो, इलेक्ट्रोस्टेट्स हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, दोनों लैंग्वेज में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।